हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मार्च आने को है, लेकिन अभी भी मौसम जो है फॉगी फॉगी सा हो रखा है और ठंड भी है थोड़ी थोड़ी। रमेश की आज छुट्टी नहीं है, आज संडे है बट छुट्टी नहीं है, कुछ काम की वजह से वो थोड़ी छुट्टियों को सेव कर रहा है और यहाँ पर जल्दी उठ के मतलब पौधों को पानी दे रहा है। इसका रमेश का यही ड्यूटी है, तो वो एवरी मॉर्निंग इसका यही रूटीन रहता है। मैं चलूँगी किचन में, लंच प्रिपेयर करूँगी। तो मैं बनाने वाली हूँ आज कटहल की सब्ज़ी। मेरी कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, जिसको भी अभी तक खिलाई है सब तारीफ़ करते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ कि मैं फ्राई कर लेती हूँ सारे कटहल को। बिना फ्राई करके ना वो मज़ा सा नहीं आता, घुटा घुटा सा लगता है। तो यहाँ पर मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया और दूसरी कढ़ाई भी चढ़ा दी है ताकि टाइम में मैनेज हो जाए सारी चीज़ें। इतने वो फ्राई होगा, इतने यहाँ पर प्याज वगैरह भुन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है, दो तीन लौंग डाल दी है और एक तेज़पत्ता डाल दिया और तकरीबन चार प्याज डाल दिए मैंने, क्योंकि प्याज ना इसमें ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच, कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। और वहाँ रमेश को मैंने बोला है कि आते वक्त थोड़ी बहुत ना हार्वेस्टिंग करते हुए ले आना। तो गोभी ना अगर टाइम पे नहीं उठाओ ना तो थोड़े अजीब अजीब से हो जाते हैं। तो मैंने बोला जितनी भी गोभी है जो मतलब हार्वेस्ट करने को तैयार है उनको ले आओ, और थोड़ी सी मेथी ले आना। सब्जी लाई हो। अरे वावली, अरे वावली। तो आज की हार्वेस्टिंग देखी आपने, कुछ गोभिया और ढेर सारी मेथी के पत्ते। तो मतलब मेथी मुझे पता मतलब लग नहीं रहा था कि इतनी सारी निकल जाएगी, लेकिन काफ़ी सारी निकल गई है। देखती हूँ उसका क्या बनाऊँ। और यहाँ देखो मैं टमाटर काट रही हूँ, उसको वो टेक्स काट निकले आया है। मतलब उसको कुछ ना कुछ मतलब जो भी चाहिए कर रहे होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ वो आपका टेक्स काट के लेके जाएगा। तो बस यहाँ प्याज ना भूल गए थे, तो मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। और आज ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी हो रखी है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊँगी, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और क्या बोलूँ मैं, आवाज़ तो निकल ही नहीं रही है और शरीर भी साथ नहीं दे रहा काम करने के लिए। बट आज मैंने बोला थोड़ा सा करती हूँ। तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ना मैंने अच्छे से फ्राई मतलब अच्छे से चला लिया था, फिर टमाटर डाला है, फिर वही बेसिक अपना मसाले नमक और हल्दी और लाल मिर्ची मैंने थोड़ी ज़्यादा करके डाली है ताकि स्वाद आए, बिल्कुल स्वाद नहीं है मूंग का, और धनिया डाल दिए हैं। और यहाँ पर ना मैंने बहुत अच्छे से चला लिया है, मसाले को अच्छे से भून लिया है। और इसके बाद ना जो फ्राई करे हुए कटहल थे ना उसको सब मैं इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगी। ये जो फ्राई करके हमने दूसरे कढ़ाई का जो प्रोसेस किया है ना वो आप कुकर में भी कर सकते हो, जिनको मतलब थोड़ी सी घुटी घुटी अच्छी लगती है और थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट चाहिए। बट वैसे तो कढ़ाई में भी हो जाती है, बट आप चाहे तो आप कुकर में भी कर सकते हैं। तो ये कटहल ना मैं किसी और तरीके से ना मुझे बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं दूसरा मेथड कभी ट्राई ही नहीं करती हूँ। इनफैक्ट पहले मुझे कटहल इतना खाने में भी पसंद नहीं आता था, लेकिन जब से ऐसे वाला ट्राई किया है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये जितने भी फ्राई करे हुए कटहल थे ना वो सब मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है और इसको बस अच्छे से थोड़ा मिक्स करके, मसाला जो बनाया था उसके संग मिक्स करके अब बस ढककर इसको 10-15 मिनट पकाऊंगी। और लगे हाथ यहाँ पे ना जो दूध डेली का आता है उसको भी आज छान ले रही हूँ, क्योंकि हमारा पैकेट वाला नहीं आता, डायरेक्ट डेरी वाला आता है तो मैं छानना प्रेफर करती हूँ। तो बस यहाँ पर दूध भी रख दिया है और यहाँ देखिए कुछ 10-15 मिनट के बाद सब्जी कुछ इस तरीके से दिख रही है। और देख के पता नहीं कैमरे में तो आ नहीं रहा होगा, बट इसका कलर इतना ज़्यादा अच्छा आया था। अगर इसमें देगी मिर्च भी डालते ना तो और ज़्यादा अच्छा कलर आता, बट मैंने नहीं डाला है, इतना ही सफिशिएंट है। तो आज बस यही लंच में बनाया है मैंने, कटहल की सब्ज़ी और रोटी। और बस रमेश निकल गया ऑफिस के लिए और मैं बैठूँगी अभी, थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि बहुत सुबह से लगी हुई हूँ काम करने में। अब मैं अपनी कॉफ़ी बनाऊँगी और पीऊँगी। तो पिछले जैसे आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो चाय वगैरह बिल्कुल अवॉइड करती हूँ मैं। लेकिन आज क्योंकि मैं अपने पेड़ों पे खड़ी हूँ तो मैंने बोला आज वापस से कॉफ़ी पे आ जाते हैं। तो सुबह गर्म गर्म पानी वगैरह तो पी लिया था क्योंकि मेरा गला भी ख़राब था। तो अब ये मेरी पहली कॉफ़ी होने वाली है, तो साथ में लेकिन मैं बैठ गई हूँ मेथी लेके। मैंने बोला
इतने कॉफ़ी पीती रहूँगी, साथ साथ मेथी भी चाटती रहूँगी। तो रमेश आज ऑफिस में गया है, वो इसलिए क्योंकि अभी आने वाले दिनों में ना हमारे घर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए हमें अप्लाई करना है, जिसमें एक अमाउंट जो है आपका गवर्नमेंट को जाता है, मतलब घर की कंस्ट्रक्शन के बाद ये सर्टिफिकेट लेना अप्लाई करना थोड़ा मैंडेटरी होता है। तो बस वही कंस्ट्रक्शन हो गया था, उसके बाद हम थोड़े खाली खाली से हो गए थे, तो थोड़ा बजट देखते हुए अब जाके हम लोग अप्लाई करने के लिए जाएंगे। और मार्च लास्ट मतलब मार्च का कुछ डेट है जो कि लास्ट है, तो उससे पहले ही हमें अप्लाई करना है। तो रमेश कह रहा है कि वही नोएडा अथॉरिटी में थोड़ा आना जाना रहेगा, छुट्टियाँ करनी पड़ेगी, तो बेटर है कि मैं संडे को ऑफिस चले जाऊँ ताकि चीज़ें मैनेज हो जाएँ। तो वही घर का मुखिया हर तरफ से सोचना पड़ता है, तो वही अपने मतलब अपने चीज़ों के अकॉर्डिंग वो मैनेज कर रहा है। तो देखिए यहाँ आपसे बात करते करते मैंने यहाँ पे मेथी भी छाट ली है, और ये छोटू सा शिमला मिर्च भी आज निकला था तो ये भी ले लिया है, और बचे जो डंठल थे ना उनको ना मैंने बहुत बारीक चॉप चॉप कर दिया एकदम, और इसको मैं डालूँगी कॉम्पोस्ट बिन में। तो एक कॉम्पोस्ट बिन जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था वो गार्डन में पड़ा हुआ है, फुल हो चुका है, और इसको मैंने ना घर के साइड में रख दिया क्योंकि बार बार डालने के लिए गार्डन जाना थोड़ा सा मेरे को वो लग रहा था, तो मैंने बोला इसको घर में ही रख देती हूँ, जैसी भर जाएगा फिर पूरी बकेट को उठा के गार्डन में रख दूँगी, तो अच्छा है ना, खाद भी ऑर्गेनिक बन जाएगा, हर चीज़ ऑर्गेनिक है। तो मैंने बोला ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखूँ अब। हेलो, कैसे आप सभी, आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आई रियली होप आप लोग तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरी तबीयत पिछले 3-4 दिन से कुछ अच्छी नहीं है। लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि मुझे कोल्ड हो रखा था, तो बस वही कोल्ड कफ और फीवर वगैरह, और इस बीच मतलब बॉडी में इतनी वीकनेस हो गई थी कि कोई काम ही नहीं हो रहा था मुझसे, ना व्लॉगिंग तो मैंने की ही नहीं खैर, और घर का कुछ काम भी नहीं किया, और बस जैसे तैसे हो रहा था। बट आज मैंने बोला आज हिम्मत करके थोड़ा सा उठती हूँ, काम करती हूँ आज, इसलिए मैंने सुबह सारा काम किया। अभी भी मतलब काम कर रही हूँ लेकिन इतना लोड लेके नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सच में बॉडी मेरी अलाउ नहीं कर रही, इतनी वीकनेस हो गई है ना, और अभी भी हेडेक इतना हो रहा है कि मुझे ही पता है मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ। तो बस आज संडे है, रमेश आज छुट्टी पे नहीं है, ऑफिस गया है, कुछ काम है आगे के बताया ही मैंने आपको, तो उसके लिए वो थोड़ा अपनी छुट्टी को सेव कर रहा है। तो अभी सुबह जैसे क्या संडे है और सुबह रमेश मतलब घर में था नहीं, तो मेरा भी मन नहीं किया कि मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करूं, तो लेकिन अभी मुझे भूख लगने लगी है, अभी फटाफट से कुछ बनाती हूं और लगती हूं काम पर। क्या हो गया। चलो तो सुबह जो मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी ना वो बची थी, मैं चाहती तो अभी काम करना नहीं पड़ता, उसी के साथ ही कर लेती लंच, लेकिन मेरा ना दाल पीने का इतना मन कर रहा है आज, ऐसा लग रहा है कि वो गरम गरम दाल ऐसे थ्रोट से उतरेगी ना तो मेरा थ्रोट ठीक हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी ना भूला नहीं जा रहा, अजीब सा ही हो रखा है। तो इसलिए मैंने ना चने की दाल बनाई है, बना रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है, मेरा और रमेश का फेवरेट है ये। तो यहाँ पर मैंने गरम तेल में मैंने डाल दिया है जीरा, एक तेज़पत्ती डाल दिए है, और हींग डाली है, हींग मैं ज़रूर डालती हूँ इस दाल में, और साबुत मैंने लहसुन डालिए है, इतना सीटी लगता है इसमें कि वो गल जाते हैं, इसलिए मैं साबुत डालना प्रेफर करती हूँ और अच्छे भी लगते हैं ऐसे। और फिर प्याज डाल के फ्राई कर लिया है, टमाटर फ्राई कर लिया है, चने की दाल भिगो के रखी थी सॉफ्ट हो जाएगी करके, और यहाँ पे ना मेथी मैंने सारा का सारा डाल दिया, मैं पहले सोच रही थी कि थोड़ा डाल देती हूँ और थोड़ा फिर अगले दिन के लिए रख दूँगी, लेकिन मैंने सारा डाल दिया, मैंने बोला थोड़ा सा न्यूट्रिशियस ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बस नमक हल्दी और लाल मिर्च थोड़ा मैं भर के डालना चाह रही हूँ ताकि थोड़ा स्वाद आए, क्योंकि फीवर के बाद होता है ना कि एकदम स्वाद ही नहीं आता, तो मैंने इसलिए भर के डाल दिया। और बस इसको अच्छे से चलाने के बाद ना और पानी ज़्यादा डाल दूँगी, और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है मैंने ताकि रात के लिए भी हो जाए, और एक सब्ज़ी और शाम को देख लूँगी कुछ बना लूँगी, तो हमारा डिनर भी सॉर्टेड है फिर। तो यहाँ पर मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा करके डाला है क्योंकि इसमें थोड़ी सीटी ज़्यादा लगती है, तो सफिशेंट रहेगा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पानी। तो बस यहाँ पे मैंने दाल चढ़ाने रख दी है, अब वेसल हो जाएगी, उतार लूँगी। और यहाँ पे ना पिछले 3 दिन से मैंने लाल मिर्च ग्राइंड करके रखी हुई है,
लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी, तो ये सारे काम ऐसे ही पड़े थे। तो मैंने बोला इतने दाल बन रही है, ये सब काम थोड़े से निपटा लूँ, तो ये मसालेदानी में डाल के मैं वापस से रख रही हूँ। और साथ में मैंने अपने मोबाइल में कुछ कुछ लगा रखा है ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो विराट कोहली का इंटरव्यू देख रही हूँ मैं, और तो इसी के साथ साथ ये काम भी हो गया। और मेरे ऑयल डिस्पेंसर भी खाली थे, तो उनमें भी मैंने जो है ऑयल भर के रख दिया है। तो अच्छा है ना, घर का मतलब एक काम करते करते दूसरे काम भी होते रहे ना, तो बढ़िया रहता है। तो यहाँ ये काम भी निपट गए, और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी, और दूसरी तरफ दाल भी बन के एकदम रेडी हो गई है। और लड्डू के लिए ना मैंने थोड़ा सा आलू फ्राई किए थे, क्योंकि सुबह भी उसने हमारे साथ नॉर्मली ऐसे ही खाना खाया था, तो अभी वो गया था कि आलू चाहिए करके। तो मैं थोड़ा सा आलू उसके लिए फ्राई कर रही थी, और पराठे बनाए उसके लिए। और यहाँ दाल देखिए कितनी अच्छी बनी है, और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और यहाँ ना मैंने डोलची में ना थोड़ा मैंने अपनी जो मेरे नेबर वाली आंटी है ना उनके लिए निकाल लिया अलग से, क्योंकि कल तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने ना रात को दाल भेजी थी बना के। तो मैंने बोला चलो उनके लिए भी थोड़ा सा निकाल के रख देती हूँ, उनको दे आऊँगी करके। तो यहाँ मेरा लंच एकदम रेडी है, दो रोटी लेकिन लॉट्स ऑफ वेजीज एंड दाल। तो ये है मेरी आज की लंच थाली। और यहाँ लड्डू भी इंजॉय कर रहा है, और मैं भी अब इंजॉय कर रही हूँ अपना लंच। और इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना कटहल की सब्ज़ी कि मैं क्या बताऊँ, और उतनी अच्छी दाल बनी थी। और आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही हूँ, बट कभी कभार ना सच में ये सिंपल खाना बहुत ज़्यादा आपकी सोल आपकी बॉडी को सेटिस्फाई करता है। तो आज पता नहीं दाल खा के ना मैं बहुत ज़्यादा तृप्त सी हो गई थी, क्योंकि तबीयत ख़राब थी ना, ऊपर से एकदम सिंपल सा खाना खाओ। लेकिन हाँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा मसाला ज़्यादा डाला था, मैंने मिर्ची ज़्यादा डाली थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे बस हम दोनों आज संडे को अकेले अकेले खाना खा रहे हैं। और यहाँ देखिए मेरे जो सेपलिंग्स मैंने डाले थे ना, मतलब सीड्स डाले थे, काफ़ी सारी सेपलिंग्स जो है वो तैयार हो गई है, और अभी बहुत निकलनी अभी बाकी है। तो आने वाले टाइम में ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो गार्डन में शिफ्ट कर दूंगी इन्हें। तो अभी बच गए हैं कुछ 3, और मैं चाहती थी रेस्ट करना, लेकिन मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा काम किया जाए। तो यहाँ पे ना क्योंकि 3 लोगों को ही कोल्ड था हमें, तो हम लोगों ने ना तो दूध पिया नहीं, क्योंकि और कफ कोल्ड बढ़ाता है ना ये, तो इसलिए बहुत सारा दूध ना बच गया था, इकट्ठा हो गया था। तो मैं इससे ना कुछ स्वीट डिश बनाने की सोच रही हूँ, तो वही सबका मलाई निकाल कर अलग कर दे रही हूँ। और यहाँ पे कढ़ाई में ना मैंने इसको क्या कहते हैं खोया बनाने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे मैं तगार बना रही हूँ चीनी की। तो ये खोया भी बन के एकदम रेडी हो गया है, और इसमें जो तगार बनी थी वो मिक्स कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैं बना रही हूँ पेड़े, तो ये मैं कभी और डिटेल में किसी दिन बताऊँगी आपको कि मैंने ये किस तरीके से बनाया, क्योंकि आज मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ, एक तो ना वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती, और ऊपर से ना मैं इतना बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना कर भी नहीं पा रही हूँ। तो मैंने बहुत शॉर्टकट में शूट किया था, और इस तरीके से मैंने कुछ पेड़े बनाए हैं। हाँ, नेक्स्ट टाइम ना, मतलब ये मेरा आज पहला अटैम्प्ट था, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ों पे कमी रह गई है, बट ये और बेटर हो सकता था मतलब। बट नेक्स्ट टाइम मेरे को पता चल गया है कि इस टाइम क्या गलती हुई है, वो नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। तो परफेक्ट जब बन जाएगा ना, उस दिन मैं आपको और अच्छे से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी इन पेड़ों की। बट ट्रस्ट मी, टेस्ट बिल्कुल वही था, बस सॉफ्टनेस थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। रमेश क्या कहते हैं, रमेश को भी पसंद आया, और लड्डू को तो पसंद आया, उसने तो अभी 2-3 खा लिए थे। तो बस मैंने बोला क्या रेस्ट करना, करते करते मैंने ये स्वीट डिश भी बना ली पेड़े। बट हाँ, सीखने को मिल गया मुझे ये, अब नेक्स्ट टाइम
जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद खोआ थोड़ा ज़्यादा लूज़ है, लेकिन नहीं, वो उसी टाइम पे अगर मैं बना लेती ना तो एकदम परफेक्ट बनते। और मैंने थोड़ा सा और चला लिया तो थोड़ा सा टाइट हो गया, बट चलो ठीक है, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो अब सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ बैठे बैठे मैंने देखो ढेड़ों पेड़े बना लिए हैं मैंने, जो कि अच्छा है, घर में होममेड ऐसी चीज़ें रहे ना तो अच्छा रहता है बच्चों के लिए भी। लास्ट टाइम मैंने स्नैक्स बनाए थे तो अच्छा रहता है। तो बस अब बहुत सारा काम कर लिया है मैंने आज, और मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा बैठना चाहिए, तो मैं अपने लड्डू के साथ अब थोड़ा खेलूँगी, थोड़ा सा बैठूँगी, और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा से लग जाऊँगी काम पर, और वो ये है कि इस वीडियो की एडिटिंग करना। तो चलिए फिर मैं करती हूँ रेस्ट और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए और मैं भी अपना ध्यान रख रही हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर, बाय बाय।